ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और आज मैं बात करने वाला हूँ मैकबुक वर्सेस विंडोज लैपटॉप के बारे में, क्योंकि मैंने मैक के लैपटॉप को भी इस्तेमाल किया है और विंडोज के लैपटॉप को भी यूज किया है। तो विंडोज के लैपटॉप को यूज करते हुए मुझे लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं और मैकबुक इस्तेमाल करते हुए मुझे करीब 3 ईयर्स होने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि कौन से पार्ट में कौन सा बेटर है, आपको कौन सा लैपटॉप कब बाय करना चाहिए और क्यों बाय करना चाहिए। देखो यार, जब भी कोई यूजर लैपटॉप बाय करता है तो उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग लैपटॉप बाय करते हैं नॉर्मल कामों के लिए, ऑफिस में जो भी काम वो काम वो घर पे भी कर सके और अपना जो वर्क डन है वो थोड़ा सा कम कर सके, इसलिए भी लोग लैपटॉप बाय करते हैं। कुछ लोग यहां पर स्टडी के लिए, जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग स्टडी के लिए लैपटॉप बाय करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। कुछ लोग कोडिंग के लिए, ऐप डेवलपमेंट के लिए, या फिर कह लो कोडिंग सीखने के लिए लैपटॉप बाय करते हैं। तो कुछ लोग ऑनलाइन गेमिंग के लिए या फिर कह लो वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप बाय करते हैं। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के जो है डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होते हैं, उसी के हिसाब से लोग लैपटॉप को बाय करते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है स्टूडेंट्स। वेल, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th पास करने के बाद या फिर 12th पास आउट कर जाने के बाद एक लैपटॉप बाय करते हैं अपने स्टडी के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर कुछ भी चीजें उन्हें सीखनी है, मतलब ऑनलाइन चीजों के लिए, या फिर इंटरनेट से उन्हें कुछ चीज सीखना है, पढ़ाई करना है। तो उन सभी चीजों के लिए आजकल स्टूडेंट्स लैपटॉप काफी ज्यादा बाय करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप बाय कर रहे हो या फिर इससे पहले आपने लैपटॉप कभी चलाया नहीं है या फिर यूज़ नहीं किया है या फिर फर्स्ट टाइम आप लैपटॉप बाय करने जा रहे हो, तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको हमेशा विंडोज़ लैपटॉप के साथ ही जाना चाहिए। पर्सनली जब मैं स्कूल पास आउट हुआ था तो फर्स्ट टाइम मैंने भी विंडोज़ का लैपटॉप ही बाय किया था, और आपको हमेशा विंडोज़ के लैपटॉप ही बाय करने चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि विंडोज़ के जो लैपटॉप होते हैं वो सस्ते होते हैं। विंडोज़ लैपटॉप में आप वो सारा, आपका जो सारा काम होता है एक स्टूडेंट्स का, जो भी सारा काम होता है स्टार्टिंग के फर्स्ट टाइम जो लैपटॉप बाय करते हैं, जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं, लाइक उन्हें प्रेजेंटेशन बनानी है वो सीखना है, वर्ड कैसे बनाते हैं, इंटरनेट सर्फिंग, या फिर कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है, बेसिक जो चीज़ें होती हैं जब एक फर्स्ट टाइम कोई यूजर लैपटॉप बाय करता है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं तो बहुत ईजी होती है विंडोज़ के लैपटॉप में, और ये आपको सस्ती भी पड़ जाती है मैकबुक के कंपैरिजन में। अगर आप इसे मैकबुक से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली जो मैकबुक है वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे आता है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो इसलिए इनिशियली आपको स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हो तो आपको हमेशा विंडोज़ लैपटॉप के साथ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी आता है दोस्तों परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर यूजर्स के डिमांड के हिसाब से होती है। कुछ लोगों के लिए जो लैपटॉप है वो चाहिए और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, कोडिंग रन करने के लिए, या फिर कुछ लोगों को लैपटॉप चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए, या फिर हैवी सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। वेल, यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। स्टार्टिंग में जब अगर विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करोगे तो आपको जो विंडोज़ लैपटॉप है काफ़ी फास्ट लगेगा, लेकिन जैसे आप मैकबुक में शिफ्ट हो जाओगे या फिर एप्पल के लैपटॉप यूज़ करने लगोगे, और करीब 5-6 महीने बाद आप दोबारा से विंडोज़ के लैपटॉप यूज़ करोगे ना, तो आपको जो विंडोज़ का लैपटॉप है बहुत स्लो लगेगा। यस, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर आपको फोटो एडिटिंग करनी है या फिर आपको हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर रन करना है, तो आपको मैकबुक लैपटॉप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इनमें आपको जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो परफॉर्मेंस है, आई डोंट थिंक सो इसका कोई मैच है विंडोज़ के लैपटॉप से। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी विंडोज़ के लैपटॉप भी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं और मैकबुक के लैपटॉप भी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं, बट प्राइस, दोनों के प्राइस में आपको ज़मीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है गेमिंग। वेल, बहुत से लोग होते हैं जो लैपटॉप को नॉर्मल कामों के अलावा गेमिंग के लिए भी बाय करते हैं, मतलब यार उनको लैपटॉप में गेमिंग करनी है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें गेमिंग खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई मैं तो इसमें स्टडी तो कर सकूं लेकिन साथ में अगर मुझे जब जब गेम खेलना हो तो मैं गेमिंग भी कर सकूं। तो यहाँ पर मेरा क्लियर और स्ट्रेट आंसर है, कभी भी गेमिंग के लिए मैक के लैपटॉप को बिल्कुल बाय मत करना। ये ऑप्टिमाइज नहीं होते गेमिंग के लिए, भले ही आपको परफॉर्मेंस तो आपको टॉप लेवल की मिलती है बट आपको गेम्स नहीं मिलेंगे, आप गेम्स खेल नहीं पाओगे, क्योंकि विंडोज़ के लैपटॉप में आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाते हैं, बहुत सारे गेम्स का आपको सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर, और अगर नहीं भी हो तो यहाँ पर आप बहुत सारे जुगाड़ लगा के यहाँ पर विंडोज़ लैपटॉप में गेमिंग कर सकते हैं। तो या डेफिनेटली गेमिंग के लिए आपको हमेशा विंडोज़ के लैपटॉप को कंसिडर करना चाहिए, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। नेक्स्ट कैटेगरी है लॉन्ग टर्म। कई लोग होते हैं जो लैपटॉप को लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय के लिए बाय करते हैं। एक सेकेंड, लंबे समय, सभी लोग लैपटॉप को लंबे समय के लिए बाय करते हैं, कौन शॉर्ट समय के लिए बाय करता है? वेल, मैं बात कर रहा था दोस्तों यहाँ पर उन लोगों की जो लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप तो बाय करते हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म तक हमें जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट मिलते रहे, मतलब हैंग ना हो या फिर लैग ना हो, हल्का फुल्का कभी कभार हो वो चलेगा, बट ये नहीं चाहते कि एक समय बाद, जैसे कि 1 साल बाद 1.5 साल बाद वो लैपटॉप बिल्कुल स्लो चलने लगे, हैंग होने लगे, मतलब काम ही हमारा ना हो। वेल, यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। विंडोज़ के जो लैपटॉप होते हैं दोस्तों,
वो आपको शुरुआत के 5 से 6 महीने, मैक्स टू मैक्स 1 साल बोल लो, 1 साल तक आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, बट 1 साल बाद जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्लो हो जाती है। आपको भले ही आपके पास कितनी अच्छे स्पेक्स वाला लैपटॉप, कितना महंगा लैपटॉप ही क्यों ना हो विंडोज़ का, बट फिर भी वो आपको एक टाइम बाद वो लैपटॉप हैंग करने लगता है, स्लो ऑन होता है, एप्लीकेशन स्लो ओपन होते हैं, लैग करने लगता है। ये चीज़ आप नोटिस करोगे, अगर आपने कभी लैपटॉप यूज़ किया होगा विंडोज़ के स्टार्टिंग में देखना बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन एक टाइम बाद वो स्लो हो जाता है, ये चीज़ आप नोटिस करना। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ मैक लैपटॉप की, तो मैक लैपटॉप स्टार्टिंग में काफ़ी फास्ट चलते हैं, बट ये आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब लाइक 1 साल बाद 2 साल बाद आपको ये नहीं लगेगा कि यार परफॉर्मेंस में कोई कमी आई है। हाँ, परफॉर्मेंस देखो जो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलते हैं वो आपको मतलब एक लंबे समय के बाद वो सेम टू सेम वही परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट या आपको ये नहीं लगेगा कि यार मुझे लैपटॉप चेंज करना चाहिए, मुझे एक नया लैपटॉप बाई करना चाहिए। स्टिल ये जो लैपटॉप है ये 2018 मॉडल है आई गेस मेरे ख्याल से, और अभी भी ये लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी इसमें जो वीडियो एडिट्स है जैसे मैं पहले करता था अभी भी वैसी सेम करता हूँ। सो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो मैकबुक होते हैं, जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं, वो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो लंबे समय में अगर आपने स्टार्टिंग में मैक के लैपटॉप बाई कर भी लिया एक्सपेंसिव में, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लग गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपका पूरा पैसा वसूल कर देगा। वहीं पर विंडोज़ लैपटॉप देखो दोस्तों अपनी जगह पर वैसे, जिन लोगों के पास बजट नहीं होता वो लोग विंडोज़ लैपटॉप के साथ जाते हैं, लेकिन विंडोज़ लैपटॉप में भी ऐसा नहीं है, जो आपका काम है वो सारा का सारा काम आप विंडोज़ लैपटॉप में भी काम कर सकते हैं। यस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। मिलता हूँ मैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।